Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya. Guys, आज का जो वीडियो है ना वो सेल सिग्नलिंग यूनिट से रिलेटेड है. मतलब सेल सिग्नलिंग में हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस पर मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ कि रिसेप्टर क्या होते हैं, लाइगेंड क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं. और आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, मतलब हम जो है पूरा जो रिसेप्टर टॉपिक है ना उसको रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं. सो रिसेप्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. रिसेप्टर्स आर जनरली प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ अ सेल और विद इन द इंटीरियर ऑफ द सेल. रिसेप्टर्स आर एबल टू डिटेक्ट केमिकल सिग्नल्स और फिजिकल स्टिमुलाई. तो सेल सिग्नलिंग क्या होती है? सेल सिग्नलिंग मीन्स होता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, यानी कि सेल्स जो है जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिसीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो ये जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट होना है ना, मतलब ट्रांसफर होना है, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए लाइगेंड और रिसेप्टर का रिक्वायरमेंट होता है. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जनरली या तो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या तो इंटीरियर ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं. और इनके पास ये एबिलिटी होती है कि कोई भी केमिकल या फिजिकल स्टिमुलाई या केमिकल सिग्नल्स को सेंस कर सकते हैं. वही लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, यानी कि जो रिसेप्टर जिसको सेंस कर रहा है जो भी फिजिकल या केमिकल सिग्नल्स को, वो क्या है? वही जो सेंस कर रहा है वो होता है लाइगेंड. लाइगेंड एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है. लाइगेंड गैसेस भी हो सकता है, पेप्टाइड्स भी हो सकता है और हार्मोन्स भी हो सकता है. सो ये हो गया रिसेप्टर क्या होते हैं, लाइगेंड क्या होते हैं. अब हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में, ठीक है. सो रिसेप्टर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर और एक होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर. सो जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं. तो जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो में सिर्फ आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताया. जैसे कि मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी नोट्स को मेंशन किया हुआ है. इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है. सो रिसेप्टर टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और एक होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसका जो लाइगेंड होता है वो एक स्मॉल हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है. हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर हीटिंग और लिपोफिलिक दैट मीन्स लिपिड लविंग. तो इसका जो लाइगेंड होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल. लिपिड लिपोफिलिक होता है दैट मीन्स कि वो लिपिड लविंग होता है. तो लिपिड जो लिपिड मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, तो उसे क्रॉस करके इनसाइड द सेल जाके रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है. एग्जाम्पल पे यहाँ पे थायराइड हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं. ये क्या हो गई? ये इनके एग्जाम्पल हो गए. वहीं नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेल सरफेस रिसेप्टर. सेल सरफेस का ही आप मीनिंग समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा रिसेप्टर जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है. जैसे ये सेल है, इसकी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये रिसेप्टर इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है. वहीं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द सेल प्रेजेंट है. तो ये लाइगेंड आएगा, अंदर आके बाइंड करेगा. और वहीं सेल सरफेस पे जो लाइगेंड आएगा वो यहाँ पे बाइंड करेगा, अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन. अब सेल सरफेस रिसेप्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. उसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि थ्री टाइप्स के सेल सरफेस रिसेप्टर हमने पढ़ने होते हैं. एक होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, एक होता है GPCR जिसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और एक होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. सो पहले हम पढ़ेंगे आयन चैनल लिंक रिसेप्टर. आयन चैनल लिंक रिसेप्टर में क्या होता है कि लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी कहते हैं, या फिर ट्रांसमिटेड गेटेड आयन चैनल भी इसको कहा जाता है. आयन चैनल लिंक रिसेप्टर यानी कि यहाँ पे कुछ आयन से रिलेटेड है. तो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर में क्या होता है कि जो लाइगेंड होता है वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से बाइंड करता है, क्योंकि ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर का ही पार्ट है. यानी कि जो रिसेप्टर वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस है सेल की, उसके रिसेप्टर की एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से आके लाइगेंड बाइंड करता है. उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. मैंने कहा रिसेप्टर एक इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो उस पर कन्फर्मेशनल चेंज होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसकी वजह से जो आयन्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और मेम्ब्रेन को पास करते हैं. यानी कि इसीलिए इसको आयन्स जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये आयन्स जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं.
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपने क्या, आपको क्या याद करना है कि एक लाइगेंड हो, जो लाइगेंड होता है, ठीक है, लाइगेंड ने आके क्या किया, लाइगेंड जो है वो बाइंड करता है किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से। किसके एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के, सेल सरफेस रिसेप्टर, क्योंकि ये सेल की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। उसके एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे जैसे ही बाइंड करता है तो वहाँ पे जो रिसेप्टर, मतलब जो प्रोटीन होता है या जिसको कहें हम रिसेप्टर होता है, उस पर क्या होता है, उस पर एक कन्फर्मेशनल चेंज हो जाते हैं। कन्फर्मेशनल चेंज होता है किसमें, प्रोटीन स्ट्रक्चर में, यानी कि रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। और जैसे ही, अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, जैसे ही इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है वैसे ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जितने भी आयन्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन, ये सारे जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, वो पास हो जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, पास थ्रू द मेम्ब्रेन। यही है आयन चैनल लिंग रिसेप्टर में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, जो भी रिसेप्टर, जो भी रिवाइज मैं आपको करा रही हूँ। अब इसमें कैसे क्या होता है, एक छोटा सा हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने कहा कि ये रिसेप्टर जो है वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ये रिसेप्टर जो है, जैसे कि ये जो है, आप इसका डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ये रिसेप्टर है। अब यहाँ पे आयन्स प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेल जो है वो आयन्स प्रेजेंट है, इन आयन्स को यहाँ पे एंटर करना है। अब आप देखिए ये चैनल अभी क्लोज है, यानी कि रिसेप्टर का जो गेट है वो क्लोज है। तो क्या होता है, क्यों, क्योंकि अभी लाइगेंड यहाँ पे है, ये क्या है, ये लाइगेंड है। अब क्या होगा, क्योंकि ये गेट क्लोज्ड है, तो ये क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कि लाइगेंड जैसे ही सेल के रिसेप्टर की सरफेस पे आके बाइंड करेगा तो इस पर कन्फर्मेशनल चेंज होंगे। तो ये क्या हुआ, ये इसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, मतलब कि ये जो लाइगेंड है इसने आके रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, ठीक है, ये लाइगेंड ने आके रिसेप्टर से बाइंड किया, और जैसे ही बाइंड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कन्फर्मेशनल चेंज। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपको याद ही रखना है कि जो आयन चैनल लिंग रिसेप्टर होता है उसमें जैसे ही लाइगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। और इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि चैनल ओपन होगा और ये आयन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये रिसेप्टर ने आके बाइंड किया, अब ये जो आयन्स मैंने आपको कहा था यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आयन चैनल इज ओपन, आयन चैनल जो है वो ओपन हो गया। बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको इतना ही रिवाइज करना है। आप जब आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज तो हो ही जाएगा। आपको क्या रिवाइज करना है, ये याद रखना है कि आयन चैनल लिंग रिसेप्टर को लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी कहते हैं, ट्रांसमिटेड गेटेड आयन चैनल्स भी कहते हैं। जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से तो जो इस रिसेप्टर होता है उसके जो स्ट्रक्चर है उस पर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आयन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, मैंने आपको कहा सेल सरफेस रिसेप्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आयन चैनल लिंग रिसेप्टर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आयन चैनल लिंग रिसेप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम जीपीसीआर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आयन चैनल लिंग रिसेप्टर से रिलेटेड या फिर रिसेप्टर लाइगेंड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।